अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की टेक अपडेट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगस्त की जो टोटल अपडेट्स देखने को मिली थी हुआवे और ऑनर की डिवाइसेस के अंदर, उस हवाले से आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ क्या क्या आपको अपडेट्स देखने को मिली थी, जिसके अंदर आपको EMUI 10 की अपडेट्स भी देखने को मिल गई थी, जबकि काफी सारी डिवाइसेस के अंदर आपको जुलाई की सिक्योरिटी पैच अपडेट्स और अगस्त की सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी देखने को मिल गई थी। और आपको पता है कि हुआवे डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2020 के अंदर ये अनाउंस किया गया था EMUI 10.1 को, और EMUI 10 की प्रोग्रेस को भी बताया गया था। काफ़ी सारे न्यू फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल गए थे, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी देखने को मिले, और काफ़ी सारा मैजिक UI के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल गई थी। तो दोस्तों, जैसे ये अगस्त स्टार्ट हुआ तो हुआवे मेट 30 प्रो, हुआवे P40 सीरीज चाइनीज मॉडल, हुआवे नोवा 5T, हुआवे Y9 प्राइम 2019 के अंदर जुलाई की सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिली, ऑनर 9A के अंदर अगस्त की सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ कुछ पेटल सर्च, नकल गैसर और न्यू सिक्योरिटी अपडेट इंडिया के अंदर देखने को मिली, जबकि हुआवे मेट 20 के अंदर, मेट 20 प्रो के अंदर EMUI 10.1 को रोल आउट स्टार्ट कर दिया गया था अगस्त 5 तक। इसके बाद की जो अपडेट्स निकल के आई थी उस हवाले से कैमरा और फिंगरप्रिंट ऑप्टिमाइजेशन की अपडेट आपको हुआवे नोवा 7 सीरीज के अंदर देखने को मिली, इसके बाद हुआवे पी स्मार्ट 2019 के अंदर जुलाई की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिली, जबकि ऑनर 9X प्रो 9X के अंदर आपको जुलाई की सिक्योरिटी पैच अपडेट EMUI 10.1 अभी तक इसके अंदर स्टार्ट नहीं हुआ, और स्मार्ट आई ट्रैकिंग का फीचर आपको P40 सीरीज के अंदर देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआवे P9 के अंदर आपको 4-year-old डिवाइस के अंदर आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट्स और कुछ न्यू फीचर्स अवेलेबल कर दिए गए थे। इसके अलावा अगस्त 11 तक हुआवे V30 लाइट के अंदर जुलाई की सिक्योरिटी अपडेट UK के अंदर देखने को मिली, ऑनर प्ले के अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स, लार्ज सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिली, कैमरा और कॉलिंग फीचर, स्मार्ट फीचर काफी सारे देखने को मिले। मजीद यहाँ पे अगस्त 14 तक आपको P40 सीरीज के अंदर आई ट्रैकिंग का ऑप्शन और सुपर नाइट पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी अवेलेबल कर दिया गया था। इसके अलावा कैमरा नेटवर्क सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन ऑनर X10 सीरीज के अंदर अवेलेबल की गई। मजीद यहाँ पे हुआवे असिस्टेंट और जुलाई की सिक्योरिटी पैच अपडेट ऑनर 10 लाइट के अंदर देखने को मिली। अगस्त 2020 सिक्योरिटी पैच अपडेट P40 सीरीज के अंदर भी स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा मजीद यहाँ पे हुआवे P20, P20 प्रो, P20 लाइट के अंदर जुलाई की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिली, जबकि हुआवे P20, P20 प्रो के अंदर यूरोप के अंदर भी जुलाई की सिक्योरिटी अपडेट अवेलेबल की गई थी। इसके अलावा हुआवे मेट 8 जो कि काफी पुरानी डिवाइस है, इसके अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स और अगस्त की सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिली, और इसके अलावा मेट 20 प्रो के अंदर आपको EMUI 10.1 के ऊपर अगस्त की सिक्योरिटी अपडेट अवेलेबल की गई, ऑनर 8X और ऑनर 9N के अंदर आपको अगस्त की EMUI सिक्योरिटी अपडेट मिली, और इसके अलावा हुआवे P30 लाइट के यूजर्स के लिए स्मार्ट चार्ज, हुआवे असिस्टेंट और इस तरह के काफी सारे न्यू फीचर्स, एक्साइटिंग न्यू फीचर्स ऐड किए गए थे। मजीद यहाँ पे हुआवे मेट 30 सीरीज के लिए अगस्त की सिक्योरिटी पैच अपडेट अवेलेबल की गई, हुआवे नोवा 5T के अंदर भी आपको EMUI 10.1 के ऊपर अगस्त की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिली। मजीद यहाँ पे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, पेटल सर्च, नकल गैस्चर का ऑप्शन आपको ऑनर 9S के अंदर अवेलेबल किया गया, हुआवे मेट 20, मेट 20 प्रो के अंदर EMUI 10.1 को लैटिन अमेरिका के लिए अवेलेबल किया गया, हुआवे पी स्मार्ट 2018 के अंदर आपको हुआवे असिस्टेंट और स्मार्ट चार्ज ऑप्शन न्यू सॉफ्टवेयर के जरिए अवेलेबल किया गया। मजीद हुआवे P30, P30 प्रो, हुआवे P30 लाइट, ऑनर 10 लाइट और Y9 प्राइम 2019, Y9 2019 के अंदर अगस्त की सिक्योरिटी पैच अपडेट को अवेलेबल किया गया था। हुआवे P20, P20 प्रो के अंदर स्मार्ट चार्ज और हुआवे असिस्टेंट के साथ एक काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल गई थी। हुआवे P40 सीरीज के अंदर आपको अगस्त की सिक्योरिटी पैच अपडेट यूनाइटेड किंगडम के अंदर अवेलेबल कर गई थी, और अगस्त 31 तक ये अपडेट्स देखने को मिल चुकी थी। इसके बाद ऑनर V10 जो कि काफी पुरानी डिवाइस है, इसके अंदर 4.11 GB की एक काफी बड़ी अपडेट हुआवे असिस्टेंट और न्यू सिक्योरिटी पैच के साथ देखने को मिली। EMUI 10.1 के हवाले से बात कर ली जाए तो अगस्त हुआवे नोवा 5T के अंदर EMUI 10.1 की अपडेट का स्टेटस चेक किया गया, नोवा 5T के अंदर वेस्ट अफ्रीका में जुलाई के साथ सिक्योरिटी पैच अपडेट अवेलेबल की गई। ऑनर View 20 के अंदर मैजिक UI 3.1 EMUI 10.1 की अपडेट को रोल आउट स्टार्ट कर दिया गया था, और ऑनर 20 के अंदर भी इंडिया के अंदर अपडेट देखने को मिली। हुआवे नोवा 5T के अंदर EMUI 10.1 जुलाई सिक्योरिटी पैच अपडेट अवेलेबल की गई थी काफी सारे कंट्रीज में, जबकि इंडिया के अंदर हुआवे P30 प्रो के लिए EMUI 10.1 की अपडेट अवेलेबल किया गया था। इसके अलावा इंडिया के अंदर ही हुआवे मेट 20 प्रो के अंदर EMUI 10.1 को रोल आउट स्टार्ट कर दिया गया था अगस्त 25 को। इस तरह से काफी सारी अपडेट्स अगस्त के महीने के अंदर देखने को मिली, सिक्योरिटी अपडेट्स और इस तरह से EMUI 10.1 की अपडेट्स भी देखने को मिली। तो ये थी आज तक की टेक अपडेट्स। मजीद टेक अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।